केंद्र सरकार ने कल यानी 1 मई को लॉकडाउन और 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी अब लॉकडाउन 3 मई तक नहीं बल्कि 17 मई तक चलेगा। इसी बीच शनिवार को गाजीपुर की सड़कों पर अचानक पुलिस का रूट मार्च देखने को मिला। पुलिस के साथ जिले के जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस का ये मार्च मिश्र बाजार चौराहे से लेकर नखास हॉटस्पॉट तक चला। ये जत्था लाल दरवाजा होते हुए नखास हॉटस्पॉट पर पहुंच समाप्त हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये मार्च क्यों हुआ? इसका जवाब गाजीपुर के डीएम और एसपी ने खुद ही दिया है। आइए पहले जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य से जानते हैं कि आखिर ये रूट मार्च क्यों हुआ। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन पीरियड और बढ़ा दिया गया है। इसके दृष्टिगत हमने कप्तान साहब ने और हमारी पूरी टीम ने जो गाजीपुर शहर का हमारा हॉटस्पॉट एरिया था उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक फ्लैग मार्च निकाला है जिससे जनता में विश्वास बढ़े और साथ ही साथ जनता को जागरूक करने की कोशिश की है कि जनता लॉकडाउन से जो लाभ जनता को मिला है वो लॉकडाउन सख्ती से पालन करे जिससे कि आने वाले दिनों में हमारा जनपद पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए। तो सुना आपने, दरअसल ये रूट मार्च गाजीपुर के हॉटस्पॉट एरिया में हुआ है। अब तक गाजीपुर में 5 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। गाजीपुर अभी ऑरेंज जोन में है। डीएम के मुताबिक अभी गाजीपुर में हॉटस्पॉट एरिया लॉक रहेंगे। असल में ये रूट मार्च लोगों को विश्वास में लेने के लिए किया गया है। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अगर वो ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे तो कोरोना पर विजय जरूर हासिल होगी। आइए अब जानते हैं कि इस रूट मार्च और कोरोना लॉकडाउन से जुड़ी तैयारियों पर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का क्या कहना है। जैसे विगत दिनों में लॉकडाउन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समस्त पुलिस दल ने पूरे धैर्य के साथ गाजीपुर में इसको अनुपालन जनता से सुनिश्चित कराया, उसी तरीके से 3 पार्ट में भी जो आगे के 14 दिवस के लिए घोषित हुआ है उसमें भी हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस बल संपूर्ण एरिया में जो शासन के निर्देश होंगे उनके नियमों के तहत अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रह करके और जनता की सेवाएं करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराएगा और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करेगा। सर, लॉकडाउन पार्ट 1 पार्ट 2 में अभी तक क्या स्थितियां रही है, मतलब पुलिस प्रशासन की? पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी स्थिति रही है जिसका परिणाम यह रहा है कि हमारे जनपद में लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं, जो 5 पॉजिटिव आए थे वो ठीक होकर के क्वारंटाइन है, 1 मरीज हमारा अभी केवल हॉस्पिटलाइज है वो भी पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है हर स्थान पे, जो कंटेनमेंट एरिया था उसमें जो ट्रेसिंग की, उसमें लोगों के जो टेस्ट कराए लगातार निगेटिव आ रहे हैं। बाहर से जो कार्मिक आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरीके से जो शासन के निर्देश हैं उसके तहत उनका टेस्ट करा के उनको क्वारंटाइन करके, होम क्वारंटाइन करके और होम शेल्टर में रख के, शेल्टर होम में रख करके इनका अनुपालन करा रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा गाजीपुर ऑरेंज जोन में है और शीघ्र ही हम ग्रीन जोन में प्रवेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस रूट मार्च में रास्ते भर यातायात प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने लोगों को लॉकडाउन पालन करने की अपील की है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, कोतवाली प्रभारी धनंजय मिश्रा, चौकी प्रभारी आशुतोष शुक्ला और अशोक मिश्रा, प्रवीण यादव, राजेश सिंह इत्यादि मौजूद रहे। फ्लैग मार्च में पुलिस ने कोरोना से बचाव की सेफ्टी किट भी पहन रखी थी। समाज सेवी विवेक सिंह एवं सद्दाम खान ने टाउन हॉल पर सारे पुलिस कर्मियों के लिए पानी और फल की व्यवस्था भी की थी। Gracias.